You know the special thing? The crust is so flaky and really the aroma come out. It's so amazing, so delicious I'm feeling. रहीम अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूरोपियन फूड यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं चिकन पॉट पाई। चिकन पॉट पाई बनाने के लिए हमने इसमें बटर डाला है अपने पैन में। अब हम बटर को मेल्ट होने का वेट करेंगे और जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा तो फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आप देखिए ये हमारा मेल्ट हो गया और अब मैं इसमें अनियंस ऐड कर रही हूँ। अनियंस को मैंने बहुत ज्यादा कलर नहीं देना, सिर्फ एक सौते करना है। आप देख सकते हैं ये सौते हो रही हैं और हम इसको इस तरह से हम करते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से नरम हो जाए। जैसे ही ये अब नरम होने लगी है तो अब मैं इसके अंदर फ्लोर ऐड कर रही हूँ। फ्लोर ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा फील, हमने फ्लोर को भी कलर बिल्कुल नहीं देना, हमने सिर्फ फील करना है कि इसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है, एक प्यारी सी किसकी अरोमा आता है, आप वो फील करेंगे। जैसे ही वो आए आप इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। ये देखिए ये इसमें गया अदरक लहसुन का पेस्ट और वो मैंने मिक्स कर दिया। और अब मैंने इसकी जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा नीचे किया है ताकि मेरी ये जो चीज़ें हैं ये जल ना जाएं। ये अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, हम देखें इसकी ताकि खुशबू आ जाए। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ये है हमारा मिल्क। ये देखिए आप, थोड़ा थोड़ा करके मैं मिल्क डालूंगी ताकि बहुत ज्यादा ये लिक्विडी ना हो जाए। ओके, इस बात का खास ख्याल रखना है। और आपने इसमें हमें सम टाइम थोड़ा सा मिल्क ज्यादा थोड़ा सा मिल्क कम भी हमारा हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर आप गौर कीजिए कि किस तरह का इसका टेक्सचर बना है। ये देखिए आप, ये बन गया, ये देखिए कितना क्रीमी बना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ चिकन और ये गई चिकन इसमें। और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी चिकन को। और जब मैं चिकन इसको ऐड करती हूँ इस बात का ख्याल रखें कि आपने चम्मच को अच्छी तरीके से चलाना है ताकि आपकी जो है सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो। अब ये ब्लैक पेपर मैंने इसमें डाला और ब्लैक पेपर सिर्फ इसमें सिर्फ हमने दो मसाले यूज़ करने, कोई ज़्यादा नहीं। ये हमारा नमक गया, ब्लैक पेपर गया और हमारी चीज़ झटपट से रेडी हो जाती है। ये देखिए ये इसमें गया, ये मैंने इसे मिक्स किया। अब मैंने इसके अंदर, अच्छा ये मैं यखनी ऐड कर रही हूँ चिकन की, जो मैंने चिकन बॉयल की थी मैंने उसी की यखनी निकाल ली थी। अगर आपके पास टिन यखनी अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ज़रा फ्रेश चीज़ों को फिर भी ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने फ्रेश यखनी यूज़ की है। यखनी में कुछ नहीं मिला हुआ, ना नमक है ना कोई और फ्लेवर है, ये प्लेन यखनी है। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे अपने आलू जो थे उनको मैंने काटा था और इनको मैंने एक बॉयल दिया हुआ है। ये टोटली अनकुक नहीं है, ये हाफ कुक हैं। अब इसके बाद क्योंकि अब इसमें जाके ये ज़्यादा नहीं पकेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ी सी यखनी की मुझे लगा था कि ज़रूरत है तो मैंने और डाल दी। अब इसके बाद ये भी मेरी सारी वेजिटेबल्स बॉयल हैं, इनको भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अब मैंने इनको सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब ये देखिए ये सब चीज़ें मेरी मिक्स होने लगी हैं और तैयार। अब मैं अपना जो मेरा क्रस्ट है पाई का, मैं उसको बेल रही हूँ। ये मेरा अप साइड पे और डाउन साइड पे मैंने लगाना है। इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसको बनाने का। और यकीन कीजिए ये एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है जैसे आप रेस्टोरेंट पर जाके खाते हैं। अब आपने इसको अच्छी तरीके से बेलना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रे है वो कितनी बड़ी है, आपने उसके साइज़ के हिसाब से। मैंने इसे फोल्ड कर दिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैंने इसमें सेट किया हुआ है इसके अंदर मैं जो मेरा तैयार हुआ है सारा चिकन का, तो वो मैं सारा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप ये देखिए, ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें कितना ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे तो इसे फुल हम करते हैं तभी इसका अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए ये मैंने इस तरह बिछाया। अब आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इसे पैक कैसे करना है। देखिए मैं इसे किस तरह पैक कर रही हूँ, थोड़ा सा एरिया जो बाहर निकला था वो बाहर वाले एरिया को अंदर वाले एरिया के साथ मैंने किस तरीके से फोल्ड किया है, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड किया। ये देखिए ये बहुत ज़रूरी है, इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि इसमें अगर ये खुला रह गया तो ये सारा आपका पूरा फूल के ऊपर से खुल जाएगा तो वो फिर अच्छा लुक नहीं आएगा। ये देखिए किस तरीके से इसके सारे कॉर्नर्स कितने फिक्स तरीके से बंद हो गए। अब हम सेंटर में ये कट्स लगाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट कट्स हैं।
कट्स हैं, बिकॉज जब हम ये कट्स लगाते हैं तो इससे ये हमें पता रहता है कि अंदर जब हमारी चिकन पकेगी तो वो जो धुआं अंदर उठता है तो ये एकदम से फूलता है, तो ये एकदम से ब्लास्ट नहीं होगा, इसके अंदर से स्टीम आउट होती रहेगी। ये समझ लें इसकी एग्जॉस्ट करने के लिए जरूरी है। तो अब ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है और ओवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये मैंने इसे ओवन में भी रख दिया है। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर एग शावर देना पसंद करते हैं, पर मुझे इतना नहीं पसंद, मैंने नहीं दिया। आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है, ओवन से ये बाहर आ गया है और ये बिल्कुल तैयार है। इसको ओवन में 180 सेल्सियस और 45 मिनट तक रखना है। आप देख सकते हैं, ये मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ, गरम गरम है, लेकिन मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ओ माय गॉड, कितना फ्लिकी और कितना नाइस ये बना है। आप खाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा।